गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। बच्चों आज हम डिस्कस कर रहे हैं अपने नेक्स्ट मेरी इस वीडियो में आपको बताऊंगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। भाई हम बात करेंगे रिलेशंस, कल भी हमने फर्स्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट या डेफिनेट प्रोपोर्शन कंपोजिशन। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और गे-लुच्चेस लॉज। ठीक है, तो आज देखते हैं, करते हैं इसको। आप देखिए आराम से और पहली बार अपनी नोटबुक और पेन ले लीजिए ताकि आप इस चीज को नोट डाउन कर सके। ठीक है, अब हमारे पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। देखो बेटा, मल्टीपल की बात आ गई तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो हमारे पास कह दिया, जब हमारे पास दो एलिमेंट्स हम लिखते हैं, व्हेन टू एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स लिया आपने, ठीक है, और वो आपके पास क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, कंबाइन। तो इसने मल्टीपल की बात की ना, तो दो को मल्टीप्लाई, ए और बी लिए, ए डॉट बी, ये हमारे पास मल्टीप्लीकेशन हो गया। ठीक है, तो आपके पास क्या हो गया, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन आपके पास एंड टू फॉर्म बनाते हैं आपके पास टू और मोर केमिकल कंपाउंड। याद है, बात क्लियर है कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बेटा, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर केमिकल कंपाउंड्स। क्लियर, याद है की बात। एंड जब इनका मासेस, क्योंकि ये प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड है, मास पे, देन द मासेस, किसका मास, जो एलिमेंट कंबाइन हुए हैं उनका मासेस, द मासेस ऑफ एलिमेंट्स, ये हमारे पास विथ ए फिक्स रेशियो, इसमें एक फिक्स्ड रेशियो आपके पास ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के अंदर वो रेशियो है, वो आपका जो मास रेशियो है वो कैसा है, फिक्स्ड रेशियो है। ठीक है, हमारे पास, और आपके पास बेयर, आपके पास कहते हैं बेयर ए सिंपल रेशियो टू वन अनदर, एंड ये भी कह सकते हो बेयर ए सिंपल रेशियो टू वन अनदर। भाई उसमें हमने पीछे वाले पढ़ा कि भाई कंबाइन किया था मास को फिक्स रेशियो में, इसमें एक नई लाइन आई है, एक नया पॉइंट आया आपके पास, ये लाइन आई है, और वो भी एक बात क्या बताई गई है, सिंपल है, हमारे पास डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल रेशियो में लिया गया है। जब दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं, मान लीजिए आप सबसे बड़े समझ जाओगे बेटा, इससे लेते हैं एग्जाम्पल, किसका लेते हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन, किसका लेते हैं भाई, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो देखो, कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो यू रीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिएक्शंस। अब मैं एक रिएक्शन लिखता हूं आपके सामने, देखना इसको, C+O2 और बना दिया बेटा CO2, ठीक है, C+O2 और आपको बन गया CO। देखिए, अब आपके पास बैलेंसिंग के लिए मैंने चलो बैलेंस कर दिया, अब आपके पास दो चीजें बनी है कार्बन और ऑक्सीजन से, दो कंपाउंड आपके पास आए हैं, एक आया है कार्बन डाइऑक्साइड, एक आया है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर है, तो दोनों क्या है, अलग अलग है आपके पास, तो भाई अलग अलग है तो इनका जो रेशियो होगा मास का, तो बेटा कार्बन और कार्बन का तो कितना है, 12। ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू योर डेफिनेशन, आपको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलना है, कह रहा है कि दो एलिमेंट्स कंबाइन हुए, कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन हो गए, और आप पास कहते टू और मोर केमिकल कंपाउंड, बढ़ा दिए दो से ज्यादा कंपाउंड, फिर कह रहा है कि देन द मासेज ऑफ एलिमेंट, इनका मास, तो ऑक्सीजन का 16 होता है तो इसका हो गया 32 और इसका हो गया 16। क्या कहा, ठीक है, मासेज की बात यहां पे कह दे विद ए फिक्स रेशियो, उनका रेशियो क्या होता है भैया, फिक्स होता है, और एक बियर ए सिंपल रेशियो टू वन अनदर,
एक दूसरे के कंपेयर में सिंपल रेशियो होगा, दैट इज क्लियर। तो भाई देखो अब ये रेशियो होगा कार्बन कार्बन का, तो यहां ऑक्सीजन का रेशियो देख लो बेटा 16:32, तो कितना आ गया 1:2, और ये जो 1:2 आया आपके पास दैट इज ए सिंपल रेशियो, दैट इज ए सिंपल रेशियो, क्लियर। तो ये आप पास अवे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ऐसे ही आप एग्जांपल और भी ले सकते हो, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, क्लियर है। एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का कितना है 7 और ऑक्सीजन का 8, तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना आपके पास, यू नो दैट कि ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास 2 टाइप्स की होती है, 1 इज पॉजिटिव 1 इज नेगेटिव। तो इट मींस नाइट्रोजन कंटेन्स 2 टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशन, प्लस एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव की +5 और नेगेटिव की -3। क्यों? क्योंकि आपको पढ़ा हुआ है कि एटॉमिक नंबर जब इसका 7 है तो वो क्या करता है कि अगर हम उसको 3 इलेक्ट्रॉन दे दें तो एक स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बना देता है भैया 10 नियोन का, क्लियर है। तो 3 इलेक्ट्रॉन हम दिए है ना, हमने दिए उसको, तो उसका मतलब उसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज, तो भैया वो आप पास -3 भी दिखाता है, क्लियर। अब उसके कह रहे हैं कि आप 7 को, आप कहो सर हम तो 3 इलेक्ट्रॉन नहीं दें, तो भैया 2 और 5 लिखते, तो 5 इलेक्ट्रॉन लॉस भी कर सकता है +5, यू नो दैट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, क्लियर पॉइंट। तो नाइट्रोजन कह रहा है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर, तो भैया मैं इस चीज को तो लूंगा नहीं -3, किसको लेंगे +5 वाले को, तो यानी कि नाइट्रोजन कह रहा है कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाता है, +2 भी, +3, +4 एंड +5, और डिफरेंट काइंड ऑफ कंपाउंड दैट विल बी फॉर्म N2O। देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, क्लियर है। यहां पर इसका नाम क्या हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड NO, इसका नाम क्या हो गया नाइट्रिक ऑक्साइड, क्लियर। दो चीजें अब इस पे आप पास N2O3, N2O4 और N2O5। देखिए मैंने 5 कंपाउंड आपके पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के लिख दिए हैं, हम तो लॉ पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन मैं आपको बता भी दिए, इनकी डेफिनेशन भी आ गया आपके ऑक्सीडेशन स्टेट। तो भैया N2O3 डाई बोले तो वैसे तो दो के लिए हम यूज करते डाई, नाइट्रोजन आपके पास क्या हो गया ट्राई ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, क्लियर ना। वैसे आप बोल भी सकते हो कि नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, ठीक है, नाम हो गया। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, चेक करते हैं भाई इनमें कितना है। देखो बच्चों नाइट्रोजन का होता है 14, ठीक है, अब 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 28, ये तो हो गया नाइट्रोजन का। ऑक्सीजन का कितना हो गया 16, ये रेशियो हो गया आपके पास 28, ये है नाइट्रोजन का, 16 किसका है ऑक्सीजन का, ठीक है। ये पार्ट्स बाय मास लिख देते हैं आगे, 28 पार्ट्स बाय मास, 16 पार्ट्स बाय मास, ऐसे इसका कितना हो गया 14:16, इसका कितना हो गया 28:3 से किया आपके पास 48, ऐसे आप चलते जाओ। ये सारे के सारे हमारे पास यहां पर एक सिंपल रेशियो लेके आएंगे, नाइट्रोजन है 14 पार्ट्स है और आपके पास ऑक्सीजन है 16 पार्ट्स है, 3-5 ऑक्साइड यानी 8, 16, 24 आपके पास 48, 64 एटसेट्रा चलते जा रहे स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो इन सभी का जो मास आएगा ऑक्सीजन का 8, 16, 24, 32, 40, इनके रेस्पेक्ट में 1:2, 3:5 एटसेट्रा रेस्पेक्टिवली में ये सारे एक सिंपल रेशियो आएगा, तो दैट इज योर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। क्लियर ये पॉइंट कि आपके पास क्या हुआ कि हमने कहा एक डेफिनेशन चेंज किया आप पास कि भाई दो रेशियो जब आप पास कंबाइंड कर रहे हैं तो वो आप पास एक क्या आ रहे फिक्स रेशियो में आ रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास है फोर्थ लॉ ऑफ
रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। नेक्स्ट आपका क्या है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। भाई ये तो भाईचारे की बात है, इनमें इनमें भाईचारा हो जाएगा, लड़ाई ना होगी, ये मिलकर रहते हैं हमारे पास। कि दो एलिमेंट होते हैं आपस में, जब हमारे पास कहते हैं द रेशियो ऑफ मासेस। अब भाई मैं इसको भी मास में बात कर रहा हूं। देखो मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको कि जो फर्स्ट फोर लो है वो डिपेंड होते हैं मास पे, और जो फिफ्थ लो है वो आपका वॉल्यूम पे डिपेंड होता है। तो मैं क्या कह रहा हूं इसके रेसिप्रोकल में, भाई भाईचारे की बात है कि इसमें हमने, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं कि दो एलिमेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल ले लेता हूं मैं, डेफिनेशन में आपको ऐसे बता देता हूं, एक कार्बन ने लिया एक हाइड्रोजन ने लिया, कह रहे थे दो एलिमेंट है हमारे पास, तो इनका जो रेशियो है वो मासिस, ये हमने सपोज किया ए, ये सपोज किया बी, तो द रेशियो ऑफ दीज द रेशियो ऑफ द मासिस ऑफ द टू एलिमेंट्स ए एंड बी, यानी कार्बन एक तो ए हो गया ये कार्बन, बी हो गया हाइड्रोजन, आर कंबाइंड, दोनों आपस में क्या विच कंबाइंड रेस्पेक्टिवली, आपस में सेपरेटली दोनों जब मिलते हैं आपस में तो सेपरेटली वर्ड किसके लिए कहते हैं, जो थर्ड एलिमेंट होता है सी उसके लिए, कि सेपरेटली कार्बन भी ऑक्सीजन के साथ मिलेगा और हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन के साथ आएगा। ठीक है, तो क्या कहा आपने, द रेशियो ऑफ मासिस ऑफ किसके हमारे पास टू एलिमेंट्स ए एंड बी विच कंबाइंड या विच कंबाइंड सेपरेटली किसके साथ विद ए फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, इसके पास थर्ड एलिमेंट सी। ठीक है, कि दीज द मास रेशियो ऑफ दीज टू एलिमेंट्स कंबाइंड सेपरेटली विद थर्ड एलिमेंट विद ए फिक्स्ड मास, उसके साथ भी एक मास रेशियो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा हमारे पास। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो दो एलिमेंट है वो आपके पास क्या है, सेपरेटली मिक्स हो रहे हैं आपके पास, किसके साथ थर्ड एलिमेंट के साथ, और किसमें वही पॉइंट एक फिक्स रेशियो मास के अंदर, और वो फिक्स रेशियो मास क्या रहेगा, फिक्स्ड रेशियो मास, और भैया वो भी कैसा रहेगा, सिंपल रहेगा, कैसा रहेगा, सिंपल रहेगा। तो मैंने आपको एग्जांपल किसका दे दिया, भाई कार्बन है हाइड्रोजन है, तो देखिए कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं, CH4 बनाते हैं कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर, और आपस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे, H2O, और कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे, CO2। तो भैया इनको रेशियो देख लीजिए, CO2 12 और 32 3:8, क्लियर। अब इसका देख लीजिए 2:16 1:8, इनका देख लीजिए 12:4 3:1, ये आपके पास ये सारे के सारे हमारे पास एक सिंपल रेशियो में आ रहे हैं हमारे पास सारे के सारे, देख लीजिए ना, ये रहा 3:8 1:8 3:1, तो इनका जो मासिस है वो हमारे पास दीज टू एलिमेंट्स कंबाइंड सेपरेटली विद ए थर्ड एलिमेंट इज इन ए सिंपल फिक्स्ड मास रेशियो, दैट इज योर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। फॉर एग्जांपल आप और भी ले सकते हैं इसमें, कि सल्फर है, अदर एग्जांपल सल्फर है किसके साथ है, हाइड्रोजन है, कंबाइंड कर रहे सेपरेटली थर्ड एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ, तो सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं भैया, SO2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, H2O, हाइड्रोजन सल्फर मिलकर क्या बनाते हैं, H2S, तो यू नो दैट एटॉमिक मास हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 16 एंड सल्फर आपके पास 32 रेशियो, क्लियर है 1:1, दैट इज योर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट लॉ आपके पास आता है फिफ्थ, ये आपके पास जिन्हें चार लो थे फर्स्ट फोर लो ये डिपेंड है मासिस से, तो अब हम करते हैं किसे वॉल्यूम से, फिफ्थ जो ल्यूशेज लो, ल्यूशेज लो, ठीक है, अब किस चीज का था ये,
गैसियस वॉल्यूम, तो आ गया वर्ड वॉल्यूम, ये वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल हम देख कर देख लेते इसमें भाई क्या होता है, हमने ले लिया H2 गैस, क्लियर है, कितना लिया बच्चों 1 मोल, ठीक है, प्लस उसके अंदर क्या किया Cl2 गैस, क्लोरीन गैस बना दी, ये भी कितना लिया आपने 1 वॉल्यूम, ठीक है, 1 मोल की बात, सॉरी मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, तो यहां 1 वॉल्यूम, क्लियर, एक वॉल्यूम हमने किसका लिया H2 का, एक वॉल्यूम किसका लिया हमने क्लोरीन का, और दोनों को जब कंबाइन किया आपके पास प्रोडक्ट बने 2HCl गैसेस यानी 2 वॉल्यूम, क्लियर यहां तक की बात। अब ये हमारे पास पड़ गए, एक वॉल्यूम मेरा कितने वॉल्यूम बन गए 2 वॉल्यूम, तो यहां से डेफिनेशन भी क्लियर हो गया हमारे पास। ये केमिकल रिएक्शन जो ये ला है ये डिपेंड है केमिकल रिएक्शन गैसियस गैसियस केमिकल रिएक्शंस पे, ठीक है, और इससे हमारे पास गे लुसियस ने इसको फाइंड आउट किया था, इसके नाम पे दे दिया लुसियस लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, तो गे लुसियस ने इसको फाइंड आउट किया था और इसने इसको बताया के बारे में कि व्हेन गैसेस, ये दो गैसेस, तो आपने कहा व्हेन गैसेस रिएक्ट टूगेदर, आपस में रिएक्ट कर रही है, ठीक है, व्हेन गैसेस रिएक्ट टूगेदर, क्लियर पॉइंट, फिर आपस में क्या कह रही है दे ऑलवेज डू इन वॉल्यूम, इसमें है वॉल्यूम के अंदर है, ठीक है, दे ऑलवेज डू इन वॉल्यूम, यहां तक बात क्लियर है, विच बियर ए सिंपल रेशियो, उनका आपस में रेशियो क्या है सिंपल रेशियो 1:1 इन केस ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, आपस टू वन अनदर एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है एक सिंपल रेशियो है 1:1, यहां तक, ठीक है, एंड टू द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट, टू द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट, तो रेशियो क्या हो गया 1:1:2, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट और ये हो गया वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट, इनके बीच में क्या है एक सिंपल रेशियो है आपके पास, ठीक है, तो क्या लिखा भाई आपके पास व्हेन गैसेस रिएक्ट टूगेदर, ठीक है, यहां तक हमारे पास डू शो इन वॉल्यूम्स, वॉल्यूम में लिया गया हमारे पास, देन विच बियर ए सिंपल रेशियो टू वन अनदर विथ रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट यानी वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट, कह सकते हैं यहां पे, फिर आप पास क्या करें इफ दीज आर ऑल्सो गैसेज, ये सारे के सारे क्या है गैसेज है, तो प्रोडक्ट्स आर मेजरमेंट्स ऑफ वॉल्यूम, तो हमने प्रोडक्ट्स को किसमें मेजरमेंट किया वॉल्यूम्स के अंदर किया, ठीक है, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड ए प्रेशर, तो आप क्या कह सकते हो कि सभी को वॉल्यूम में क्या अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि पी वी और टी वॉल्यूम काम कर रहा है, ये दोनों क्वांटिटी क्या है कॉन्स्टेंट है, तो मैं दोबारा आपको कह रहा हूं गेम उसे चलाने क्या कहा था कि व्हेन गैसेस रिएक्ट टूगेदर आपके पास डू सो इन वॉल्यूम्स एंड विच बियर ए सिंपल रेशियो टू वन अनदर एज द प्रोडक्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट, इफ दिस द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट इज गैसेस द रिएक्शन इज गैसेस, तो आपके पास क्या गया द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट इज टेकन इज वॉल्यूम अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड ए प्रेशर, आप ऐसे एग्जामिनेशन और फॉर एग्जाम्पल ले सकते हो बच्चों, क्या आप ले सकते हो कि H2 लिया आपने प्लस O2 और H2O2 बनते ही आपके पास क्या बन गया H2O, अब जो H2O बना है ये बना है स्टील, क्लियर, अब बन गया कि ना बैलेंस कर लीजिए, देखिए आपके पास तो ये क्या आ गया 2 वॉल्यूम, ये कितना आ गया 1 वॉल्यूम और ये कितना आ गया 2 वॉल्यूम, दैट इज योर शो दैट क्या शो करते हैं आप पास 2 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम और 2 वॉल्यूम में हमारे पास क्या हो रहा है भैया सिंपल रेशियो आ रहा है आपके पास, ऐसे ही लाइक है आपके पास बिटवीन रेशियो क्या आ गया सिंपल रेशियो 2:1:2 लाइक एज
एन टू प्लस एच टू टू फॉर्मेशन ऑफ एन एच थ्री। तो यहां रेशियो क्या आ गया, वन रेशियो थ्री रेशियो टू, क्या आ गया, वन रेशियो थ्री रेशियो टू। तो दैट इज योअर गे लुशियस लॉज, ठीक है। तो ये आपके पास कह रहे गे लुशियस रो, एंड दिस कैन बी मेजरमेंट इन मिलीलीटर या लीटर। यू नो दैट अबाउट कि द वॉल्यूम की जो बेटा एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, लीटर। फिर हम उसको जो करते हैं मिलीलीटर में, वन लीटर इज इक्वल टू हैंड 1000 मिलीलीटर, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। ये एक लेसन है, यू नो दैट आप इस चीज में। तो दैट इज योर फिफ्थ लॉ। इन दिस वीडियो यू आल्सो स्टडी अबाउट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस एंड गे लुशियस लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ठीक है। इनको देखना, बनाना, असाइनमेंट क्वेश्चंस बनते हैं आप पास, ये चेक इट, ठीक है। थैंक यू।